हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिफ्ट्स इन एब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ जानकारियाँ। इससे पहले कि हम शिफ्ट्स के बारे में पढ़ें, आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्रोमोफोर्स के बारे में थोड़ा अंदाज़ा दोबारा लगा लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे। देखिए, अगर एल्कीन क्रोमोफोर है उसका एग्जांपल ये रहा, दिस इज़ एल्कीन पार्ट। और सॉल्वेंट एनहेप्टेन अगर लिया जाता है और लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है 177 नैनोमीटर और ई मैक्स जो है वो 13,000 है, इंटेंसिटी ये है और ट्रांजिशन जो है पाई से पाई एस्ट्रिस्क। देखिए, एल्काइन में भी जो है पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन है, सॉल्वेंट वही एनहेप्टेन लिया हुआ है, लैम्डा मैक्स लगभग वही है जो इससे पहले थी और जो ई मैक्स है ये देखिए 10,000 के आसपास है। अब गौर कीजिए कि कार्बोनाइल जो कंपाउंड है, एग्जांपल ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड का, कोई भी एग्जांपल आप एज अ क्रोमोफोर लगा कर आप ले सकते हैं। एन हेक्सेन यहाँ सॉल्वेंट है। देखिए, सॉल्वेंट्स के बारे में भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स का अंदाज़ा इस टेबल से हो रहा है और देखिए आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है यहाँ पर और जो ट्रांजिशन है एन टू पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन के लिए ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू है। कार्बोक्सिल जो ग्रुप है सी ओ ओ एच जो है उसका कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए, सॉल्वेंट इथेनॉल यूज़ किया गया है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई है और ट्रांजिशन है एन से पाई एस्ट्रिस्क। देखिए, एन से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो पाई से पाई एस्ट्रिस्क की तुलना में ये वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन आप साथ ही साथ ये नोटिस कीजिए कि जो ई मैक्स की वैल्यू है ये एन टू पाई एस्ट्रिस्क जितने भी ट्रांजिशंस हैं उनके लिए जो इंटेंसिटी है वो कम है, हालांकि इसका जो लैम्डा मैक्स है वो ज़्यादा है। यानी एनर्जी इन ट्रांजिशंस के लिए कम लगती है, लेकिन फिर भी एनर्जी कम लगने के बावजूद उनका जो ट्रांजिशन है वो पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन की तुलना में कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ट्रांजिशंस हैं वो सिमेट्री रूल्स के द्वारा अलाउड नहीं है, जो सिलेक्शन रूल्स हमने पढ़े थे उसके द्वारा अलाउड नहीं है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस या नॉट अलाउड ट्रांजिशंस हैं, इसीलिए इनकी इंटेंसिटी कम है। ये अलाउड ट्रांजिशंस है इसलिए इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। और ये जो क्रोमोफोर्स के एग्जाम्पल्स हैं और उन एग्जाम्पल्स के कुछ जो कंपाउंड हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ सॉल्वेंट्स के बारे में भी आपको जानकारी मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन है या एन से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन है वो सभी जो क्रोमोफोर है उनमें एक समान उसकी ना तो इंटेंसिटी है ना तो उसकी वेवलेंथ है। तो ये शिफ्ट जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो आज हम देखते हैं इस वीडियो में। सो वी आर स्टडिंग शिफ्ट्स इन एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी। एब्जॉर्प्शन जो यानी लैम्डा मैक्स और इंटेंसिटी यानी ई मैक्स, इनमें जो अंतर है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी क्रोमोफोर के एब्जॉर्प्शन में, यानी उनके क्रोमोफोर के लैम्डा मैक्स और ई मैक्स में, और ये जो क्रोमोफोर का जो लैम्डा मैक्स या एब्जॉर्प्शन या इंटेंसिटी जो आ रही है, एक बार और याद कर लें कि ये जो ट्रांजिशंस हैं पाई से पाई एस्ट्रिस्क और नॉन बॉन्डिंग से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशंस की वजह से हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इनमें क्रोमोफोर में शिफ्ट, इनमें परिवर्तन, इन दोनों वैल्यूज में परिवर्तन क्यों आते हैं। तो उसका एक कारण है व्हेन ऑक्सोक्रोम्स आर एडेड टू अ क्रोमोफोर। इससे पहले हमने ऑक्सोक्रोम्स पढ़े थे, तो ये क्रोमोफोर जो भी हो जिनमें द्विबंध की श्रृंखला है उसमें किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम उसमें यहाँ पर कोई भी ऑक्सोक्रोम लगा देते हैं, जैसे ओ एच या जैसे एन, जैसे एन एच टू इत्यादि, एन एच आर इत्यादि अगर हम लगा देते हैं ऑक्सोक्रोम, तो भी क्रोमोफोर का जो लैम्डा मैक्स है वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑक्सोक्रोम्स जो है वो संक्रमण या ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के साथ स्टेबलाइजेशन होता है और उसके साथ लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, क्योंकि जो ट्रांजिशन की एनर्जी वो घट जाती है, संक्रमण की जो ऊर्जा है वो कम लगने लगती है यदि ऑक्सोक्रोम हम क्रोमोफोर में जोड़ देते हैं। दूसरा जो चेंज है
लैम्डा मैक्स में जो है वो इसलिए आता है क्योंकि क्रोमोफोर के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से परिवर्तन हो जाए कि जो संक्रमण हो रहा था या ट्रांजिशन हो रहा था, या फिर आप कह सकते हैं जो कॉन्जुगेशन था, संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला थी, उसमें जो रेजोनेंस हो रहा था उस रेजोनेंस में कोई कमी आ जाए या उसमें कोई बढ़ोतरी हो जाए, ऐसे केस में भी लैम्डा मैक्स और ईमैक्स की वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। आप जानते हैं कि अगर समतलीय संरचना है, अगर प्लानर स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेंस आसानी से हो सकता है, जबकि प्लानरिटी या समतलीयता अगर ख़त्म हो जाती है तो भी जो रेजोनेंस है वो ख़त्म हो जाता है, जो कि आप कह सकते हैं समतल अगर स्ट्रक्चर नहीं रहा किसी त्रिबिंब बाधा की वजह से तो संरचना में अंतर आएगा, और अगर उस अंतर के साथ रेजोनेंस घट जाता है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है, रेजोनेंस अगर घट जाता है तो एनर्जी की जो जो ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी की जो मांग है वो बढ़ जाएगी और लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। तो ऐसे स्थिति में भी लैम्डा मैक्स और ईमैक्स की वैल्यू में फ़र्क आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। या फिर तीसरा कारण, देर इज़ एनी चेंज इन पीएच और सॉल्वेंट इन द सराउंडिंग्स ऑफ द क्रोमोफोर, यानी जहाँ क्रोमोफोर को रखा गया है, जिस विलयन में उसको रखा गया है या जो सॉल्वेंट जिसके सहायता से वो विलयन बनाया गया है जिसमें स्टडी की जा रही है, उस सॉल्वेंट की नेचर या प्रकृति में कोई चेंज कर दिया जाए, या पीएच किसी सॉल्यूशन के जिसमें वो क्रोमोफोर है उसका पीएच चेंज कर दिया जाए, दोनों ही स्थिति में कलर में चेंज आएगा और लैम्डा मैक्स और ईमैक्स की वैल्यू में चेंज आएगा। पीएच से रिलेटेड हमने हेलोक्रोमिज्म पढ़ा था, और आप जानते हैं कि जैसे फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है, उसका पीएच एसिडिक पीएच में कलरलेस होता है और बेसिक पीएच में वो पिंक कलर का आता हो जाता है, जबकि यौगिक वही रहता है, लेकिन पीएच के चेंज के साथ क्रोमोफोर का एब्जॉर्प्शन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। उसी तरह से सॉल्वेंट इफेक्ट, अगर पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लेते हैं, ऐसी स्थिति में जो पाई एन और पाई एस्ट्रिस्क जो स्टेट्स हैं उनके स्थायित्व में अंतर आता है, उसके साथ ही जो संक्रमण या ट्रांजिशन का लोअर से अपर स्टेट में जाने में जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसमें फ़र्क आता है, उसके साथ ही लैम्डा मैक्स में परिवर्तन आएगा, और अगर कोई ट्रांजिशन मुश्किल है या संभावना उसकी कम हो जाती है, उसके साथ साथ ई मैक्स की वैल्यू में भी अंतर आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, चेंज इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स के वैल्यू में किसी भी अवशोषण के जो ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का जो लैम्डा है, उस लैम्डा मैक्स, यानी आप जानते हैं कि जब भी हम कोई पीक पढ़ते हैं, पीक देखते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, देखिए अवशोषण यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन जहाँ इंटेंसिटी या तीव्रता जो है सबसे ज़्यादा होती है, उस तीव्रता से संबंधित जो ये लैम्डा इधर है, तो वो उस लैम्डा को हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जहाँ पर तीव्रता सबसे ज़्यादा है उस अवशोषण को, उस लैम्डा को लैम्डा मैक्स कहा जाता है। तो जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू में जो चेंज आता है किसी भी क्रोमोफोर में, वो दो प्रकार से चेंज आ सकता है, या तो वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाए या फिर लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट जाए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको रेड शिफ्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज इन दिस शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा मैक्स के मान में बढ़ोतरी या इंक्रीज होती है, और इसका दूसरा नाम रेड शिफ्ट भी है। देखिए, द वैल्यू रेड शिफ्ट इसलिए है क्योंकि जो रेड कलर होता है उसका जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए जब भी रेड की तरफ, रेड कलर की तरफ जैसे ही शिफ्ट होता है लैम्डा का अवशोषण में, तो उसको रेड शिफ्ट भी कहा जाता है, दूसरा नाम है उसका बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जामिनेशंस में, और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ध्यान से देखिएगा इसको। द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज इन दिस शिफ्ट, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है। यू वी एब्जॉर्प्शन नीड्स लेसर एनर्जी ड्यू टू दिस शिफ्ट, यानी ये शिफ्ट अगर हो जाता है क्योंकि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि एनर्जी की जो वैल्यू है वो घट जाती है, लेस हो जाती है एनर्जी की वैल्यू इस ट्रांजिशन के लिए।
बैथोक्रोमिक शिफ्ट अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम, यानी कोई क्रोमोफोर में कोई ऑक्सोक्रोम अगर ऐड हो जाता है, रेजोनेंस बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है और लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाता है और साथ के साथ एनर्जी की ज़रूरत उस ट्रांजिशन के लिए कम हो जाती है। इसके साथ ही इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इफेक्ट हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियोज़ में, पहले वाली क्लास में, तो पोलैरिटी अगर सॉल्वेंट की बढ़ा देते हैं तो उस वक्त भी रेड शिफ्ट या पैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। साथ ही साथ पीएच चेंज हमने देखा है इसका, जो बहुत अच्छा एग्जांपल देखा है हमने हेलोक्रोमिज्म में देखा है और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को लेके देखा है। तो जब पीएच चेंज होता है उस वक्त भी रेड शिफ्ट या पैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो यूवी विजिबल रेंज में जो चीज़ पहले कलरलेस होती है, पीएच चेंज के द्वारा वो कलरफुल लगती है क्योंकि उसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, क्योंकि पीएच चेंज हुआ है और स्ट्रक्चर में कोई अंतर आ जाता है, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट का, पाई टू पाई एस्टर ट्रांजिशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप शोज बैथोक्रोमिक शिफ्ट इन पोलर सॉल्वेंट। जब हमने कार्बोनाइल कंपाउंड अगर लिया और सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट कर दिया तो उस वह सॉल्वेंट इफेक्ट प्रदर्शित करता है और उसकी वजह से जो पाई से पाई एस्टरिस ट्रांजिशन है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करता है या रेड शिफ्ट प्रदर्शित करता है, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ पीएच के वजह से भी हेलोक्रोमिज्म में, जो हमने देखा था इससे पहले हेलोक्रोमिज्म का एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन के द्वारा, तो पीएच चेंज के द्वारा भी रेड शिफ्ट या लैम्डा मैक्स में इंक्रीज आता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड शिफ्ट, एज द रेड लाइट हैज़ लॉन्गर वेव लेंथ, सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। हमें मालूम है कि रेड लाइट का जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए अगर संक्रमण के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है तो इस शिफ्ट को रेड शिफ्ट के नाम से पुकारा जाता है। इसको रिप्रेजेंट हमने इस प्रकार से किया है, देखिए यहाँ जो ओरिजिनल है वो इस कलर से दिखाया गया है, ओरिजिनल पोजिशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद जब हमने ऑक्सोक्रोम लगाया या कोई चेंज किया सॉल्यूशंस वगैरह में तो उसका नया पोजिशन जो यहाँ पर है, एब्जॉर्प्शन पीक आफ्टर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो देखिए जो यहाँ इस एक्सेस में हमने लैम्डा को यूज़ किया है तो आप देख सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू पहले ऐसे थी और फिर अब वो बढ़ गई है, तो शिफ्ट जो है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा के वैल्यू से हम शिफ्ट निकाल सकते हैं, और लैम्डा प्राइम मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है और लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर कम है, तो ये जो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो शिफ्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट को, और अगर आप कलर डिफरेंट यूज़ कर सके, देखिए ब्लू एंड ग्रीन दिखाकर आप इस तरह से अपने एग्जामिनेशंस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेड शिफ्ट को, लेकिन रेड इंक का यूज़ नहीं कीजिएगा, इसकी जगह आप कोई और कलर यूज़ कीजिएगा। फॉर मेकिंग नोट्स यू कैन यूज़ रेड कलर, फॉर एग्जामिनेशन यू शुड नॉट यूज़ रेड कलर। सो देखते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट क्या है। जो दूसरे प्रकार का लैम्डा मैक्स में शिफ्ट है उसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का दूसरा नाम ब्लू शिफ्ट भी है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिक्रीजेज इन दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट में जो लैम्डा मैक्स का मान है वो घट जाता है, उसका अर्थ ये है कि यूवी एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स मोर एनर्जी, यानी इस दौरान जो यूवी एब्जॉर्प्शन होता है, अब्सॉर्प्शन होता है, उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ध्रुवता बदल दी जाए, विलायक की ध्रुवता बदल दी जाए, या किसी ऑक्सोक्रोम को हटा दिया जाए, या स्ट्रक्चर इस तरह से मुड़ जाए कि रेजोनेंस ना हो सके, या फिर रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी जो संयुग्मन है वो किसी कारण से कम हो जाए, या संयुग्मन अगर बरकरार रहे तो प्लानरिटी समतलीयता ख़त्म हो जाए कि रेजोनेंस ना हो सके, तो इन सभी कारण से बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो सकता है। इनको जब आप आंसर लिखें या नोट्स बनाएं तो इनको पॉइंट वाइज अलग अलग लिखें तो बेहतर नज़र आएगा आपका नोट्स और आंसर। तो आइए देखते हैं, फॉर एग्जांपल एन से पाई एस्टरिस्क ट्रांजिशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप में देखते हैं वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करता है पोलर सॉल्वेंट में। यदि ध्रुवीय विलायक लेते हैं तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आता है, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये चीज़ हमने सॉल्वेंट इफेक्ट में देखा था।
कि ये कम क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है वो घट जाती है पोलर सॉल्वेंट में। इसके अलावा देखिए इस सॉल्वेंट इफेक्ट को पढ़ने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपने आंसर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उन सॉल्वेंट इफेक्ट को यहाँ पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में और बैथोक्रोमिक शिफ्ट में सॉल्वेंट इफेक्ट को डाल सकते हैं नोट्स को अच्छा बनाने के लिए और एग्जामिनेशन में ज़्यादा नंबर लाने के लिए। व्हेन अल्काइल ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देखिए जब अल्काइल समूहों को संयुग्मित द्विबंध सिस्टम में से हटा दिया जाता है तो लैम्डा वैल्यूज फॉर पाई टू पाई एस्टरिस्क शो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ऐसी स्थिति में भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट होता है, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं बाई हाइपर कॉन्जुगेशन, और वो अल्काइल ग्रुप्स के हटने पर हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता है और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आ जाता है, क्योंकि एनर्जी की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्थायित्व कम हो जाता है इस वजह से। सो एनिलीन हैज़ लैम्डा मैक्स 280, एनिलीन का 280 पे लैम्डा मैक्स आता है, और इन एसिडिक सॉल्यूशन NH2 चेंजेस टू NH3। आप देखते हैं कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन लिया है तो इस NH2 में इस नाइट्रोजन में एक और H जुड़ जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर हो जाता है प्लस चार्ज, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं वह NH3 में एसिडिक सॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाता है NH3 प्लस में, विच कांट शो कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बेंजीन रिंग के साथ इसके संयुग्म जो इसका संयुग्मन है या कॉन्जुगेशन है या रेजोनेंस है इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो नाइट्रोजन के ऊपर होता है वो समाप्त हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स रिड्यूसेस टू 203। तो इसकी वजह से जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है अम्लीय माध्यम में, क्योंकि NH2 जो है NH3 में परिवर्तित हो जाता है। आप जानते हैं कि एनिलीन में NH2 ये एनिलीन है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनिलीन का होता है वो इस तरह से जो है पूरे वलय में जो डीलोकलाइज होता है, लेकिन अगर यहाँ पर NH3 हो जाता है तो इसके जो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन्स तो रहे ही नहीं, तो विस्थापित किस प्रकार से होंगे इस रिंग के अंदर, और जिसकी वजह से जो है ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगती है, या आप कह सकते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट जाती है। सो दिस इज़ दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। हम देखते हैं कि ब्लू शिफ्ट को किस प्रकार से दिखाया जा रहा है। देखिए जो रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनेशन वो इस प्रकार से दो अलग कलर से करें तो बेहतर होगा, और उनको मार्क कीजिए। ये देखिए ओरिजिनल पोजीशन, पहले ये पोजीशन थी और शिफ्ट के बाद ये वाली पोजीशन हो गई है, तो ये है शिफ्ट जो हुआ है और लैम्डा में, और आप देख सकते हैं कि ये जो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो एक्सप्लेन किया है मैटर वो आपको समझ में आया होगा। नोट्स बनाते रहिए एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।